और ये क्या कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा ये प्लेटफॉर्म में ये मतलब हम लोगों को देखने को मिलेगा इसके बारे में? ये जो जो अब ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी है द इंडिया ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, KPS बोलता है वो। लास्ट दुरन कप को भी इसने ब्रॉडकास्टिंग किया और आई लीग को भी किया और जितने भी पुराना जो टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग जो है इस कंपनी ने किया। और इसी का मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि आजकल आईटी का ज़माना है, तो मैं जब लास्ट टाइम आई मेट दिस पर्सन राजीव मेहता तो उनको मिला, तो मिलने के बाद मैंने उसको चर्चा किया हमारे अरुणाचल प्रदेश आने के लिए, मैं उसको निमंत्रण किया और उसने भी स्वीकार किया और स्वीकार करके उसके साथ हमने MOU किया। आज अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के लिए भी एक हिस्टोरिक डे है। प्रोफेशनल वे में टेलीविजन जो यूट्यूब चैनल अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का वहाँ अभी शुरुआत किया और आने वाला दिन में और भी अच्छा अच्छा ये टूर्नामेंट्स को ये लोग टेलीकास्ट करेगा। हम उसके साथ 5 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने किया है अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने, और मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छा जो कंपनी है वो आए और हमारा जो यंग जनरेशन से जो इस फील्ड में इंटरेस्ट है जो ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्ट में, वो भी यहाँ आके देखे सेटअप क्या है इसका और सेटअप किस तरीका का ये लाइव टेलीकास्ट होता है, क्योंकि इसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि लास्ट हम लोग ने अंडर द प्रेसिडेंसीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के नेतृत्व में हमने अभी बहुत सा फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहा है और नेशनल टीम्स में भी बच्चे लोग खेल रहा है और ट्रायल के लिए भी बच्चे जा रहा है और आज फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट हुआ एंड फाइनल में 24th ऑफ दिस मंथ को फाइनल मैच होगा तो उसमें भी लाइव टेलीकास्ट होगा। तो सर ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये सिर्फ जो अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन जो एफिलेटेड टूर्नामेंट है उसी के लिए होगा ना, और बाकी टूर्नामेंट जो जैसे यहाँ पे स्टेडियम में जो खेला जाएगा उसके लिए भी नहीं? ये ऑफिशियली MOU हुआ अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन और KPS के बीच। ये कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, तो ये जितना भी हम लोग का कैलेंडर इवेंट्स है ये लोग टेलीकास्ट करेगा। और आगे भी हम लोग जैसे अभी संतोष ट्रॉफी आ रहा है तो फेब्रुअरी से, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि चर्चा करेंगे इसको टेलीकास्ट का करने के लिए। तो अभी आई थिंक बहुत अच्छा चीज़ होगा। आपको पता है कि टेलीविजन ही आपका दुनिया है आज का ज़माना में। टेलीविजन में आप जितना फोकस करेगा उतना ही मार्केटिंग आगे बढ़ेगा, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव ये निर्णय लिया कि हम लोग KPS के साथ कंटिन्यू काम करेंगे। तो सर अभी जैसे ये UPS स्टेडियम जो है अभी प्लेबल कंडीशन में आ गया है, ऑलमोस्ट तैयार है, राजीव गांधी स्टेडियम का स्टेटस कैसा है? राजीव गांधी स्टेडियम तो इससे पहले कंप्लीट हुआ लेकिन वहाँ हम लोग क्योंकि पार्किंग का थोड़ा सा हुआ टाइट है, फिर भी कुछ कुछ इश्यूज भी है लेकिन अभी तक हम लोग उसको बातचीत शुरू नहीं किया। हम लोग बात करेंगे, करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ भी फुटबॉल शुरू करेगा और यहाँ भी करेंगे, क्योंकि आने वाला दिन में आपको पता है अभी रिसेंटली मैंने रिलायंस फाउंडेशन को अरुणाचल इन्वाइट किया और हम लोग जो ग्रास रूट जो प्रोग्राम जो 6-5 to 12 ईयर्स का जो बच्चे है उनको जो है ट्रेन जो भी लीग को स्पॉन्सर्स रिलायंस फाउंडेशन करेंगे, क्योंकि पहला ये हम लोग MOU साइन करने जा रहा है और चिल्ड्रेंस लीग का नाम हम लोग रखा है स्टेट बर्ड का नाम है हॉर्नबिल चिल्ड्रेंस लीग रखा हुआ है, तो इसलिए ये हम लोग जो है नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में हम लोग इसको लॉन्चिंग करेंगे।